मुंगेर में निकाली। इस रैली का आयोजन जिला प्रशासन के स्वीप कोषांग और सामाजिक सुरक्षा कोषांग ने संयुक्त रूप से किया। रैली को मुंगेर समाहरणालय के पास निर्वाची पदाधिकारी राजेश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि मतदान के लिए बूथों पर रैंप बनवाए गए हैं। वहीं बूथ तक जाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिव्यांगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। नसीब क्या मांगू मुकद्दर के सामने, मेरा ही कत्ल हो गया मेरे घर के सामने, सारी बस्ती जलती तो मुझे अफसोस न होता, सिर्फ मेरा ही घर जला समंदर के सामने। आज हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिव्यांगों का मतदाता जागरूकता रैली है, और हम लोग दिव्यांग भाई ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मुंगेर के दिव्यांग भाई आएंगे। और यहाँ पे इसे मीडिया के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे जनप्रतिनिधि को भी दिव्यांगों के बारे में सोचना चाहिए। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में CPIM उम्मीदवार गोरांगो चटर्जी के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में CPIM समर्थकों ने रोड जाम कर दिया। जाम लगने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि CPIM के प्रत्याशी गोरांग चटर्जी के साथ धक्का मुक्की और पिटाई के विरोध में उनके समर्थकों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाकर जाम को खुलवाया। बागेश्वर लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने EVM और VVPAT मशीन को सुरक्षा जवानों के साथ रवाना कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वो उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। उन्होंने कहा कि इस बार निर्वाचन में VVPAT मशीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण स्वास्थ्य मन से लोकसभा निर्वाचन संपादित करने की बात कही। दोनों विधानसभाओं को मिलाकर 370 पोलिंग बूथ हैं, और उसमें जो 43 पोलिंग बूथ ऐसे हैं और पार्टी ऐसे जिनको आज ही रवाना किया जा रहा है, और अभी हमारी कुछ पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और कुछ अभी हो रही हैं और बाकी का कल का होगा। तो आज इसमें जो भी पार्टियां रवाना हो गई हैं उनके जो पोलिंग ऑफिसर हैं या प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और सेक्टर जोनल हैं, उन सब में जो EVM का मूवमेंट है वो ट्रैक करना है। सब में GPS सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और सब में PDMS एक सिस्टम है जिसमें पोल डे मॉनिटरिंग सिस्टम है, और उसको भी इंस्टॉल किया गया है ताकि वो लोग वहाँ से जो 15 सूचनाएँ भेजनी है टाइम टू टाइम भेज सके। और हमारी पूरी व्यवस्था ठीक है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मानक के अनुसार पूरी तरह से लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल आसनसोल बराबानी में CPIM पार्टी के उम्मीदवार गोरांगो चटर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने मारपीट की, जिसमें गोरांगो चटर्जी बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हर दल अपने अपने बल का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जा रहा है कि चटर्जी प्रचार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस पहुँच गए, जिसके बाद वहाँ हंगामा हो गया। महोबा में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में जब पुलिस ने खुलासा किया तो कलयुगी पुत्र ही अपनी माँ का कातिल निकला। घर में रखी नकदी को चुराने के लिए पुत्र ने ही अपनी मां की हत्या कर दी थी और पुलिस को भ्रमित करने के लिए डकैती की मनगढ़ंत कहानी रच डाली थी। बताया जा रहा है कि बेटे ने ही अपनी मां की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी और कहानी ये बनाई कि बदमाश हत्या कर जेवर लूट कर ले गए। इस संदेह हत्याकांड का खुलासा करने पर ASP ने खुलासा करने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। मैं मारने के उद्देश्य से अंदर नहीं गया था, मैं सिर्फ पैसे निकालने के लिए उद्देश्य से गया था। मम्मी जग गई तो हाथापाई हुई, मैंने हंसी ऐसे घुमा दिया तो उनको यहाँ लग गया, उससे उनकी मृत्यु हुई। क्या काम करते हो? मैं सर पापा के साथ खेती का काम करवाता था। घटना के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण जब किया गया और उसकी विवेचना की गई तो ऐसे तथ्य प्रकाश में आ रहे थे कि इसमें किसी नज़दीकी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो पैसा चोरी किए जाने की बात बताई गई थी और जो अनाज वगैरह की, तो कुल मिलाकर के विवेचना की गई। विवेचना से ये पाया गया कि मृतका का छोटा पुत्र दयाशंकर ही इसमें घटना खरीद किया था और आज उसका गिरफ्तारी की गई है दयाशंकर की।